लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं ताजा खबर। लड़की का काटा सिर, शरीर के किए कई टुकड़े। कश्मीरी छात्र बना आतंकी, रोती माँ बोली भूसा मेरे एक लौटे बेटे को लौटा दो। परीक्षा पास कराने के लिए ये गैंग ले चुका है 2 करोड़ का रुपया, अब सातों चढ़े एटीएस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। लड़की का काटा सिर, शरीर के किए गए टुकड़े, प्राइवेट पार्ट को दिए गए घाव, बॉयफ्रेंड के घर मिला शव। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में नाबालिग लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या का मामले सामने आया है। हत्यारे ने युवती का सिर धड़ से अलग कर दिया, साथ ही शरीर के पार्ट्स को गहरे घाव दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवती का शव बॉयफ्रेंड के घर से बरामद कर दिया गया है। क्या था मामला? दरअसल 17 साल की नाबालिग लड़की शुक्रवार से ही गायब थी। परिवार ने शालीमार बाग थाना इलाके में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की तस्करी के दौरान पता चला कि आखिर बार उसके दोस्त सनी के साथ देखा गया। जब पुलिस ने सनी के घर पहुंची तो घर बाहर से बंद था। घर का दरवाजा तोड़ा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ हालत के कई टुकड़ों में शव आरोपी के घर से बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा गया है और उस मामले की जाँच शुरू है। शारदा यूनी से गायब कश्मीरी छात्र बना आतंकी, रोती माँ बोली मूसा मेरे एकलौते बेटे को लौटा दो। दिल्ली नोएडा एनसीआर स्थित यूनिवर्सिटी से लापता कश्मीरी छात्र एहतशाम बिलाला का मोबाइल लोकेशन श्रीनगर में मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि अब शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि बिलाला कश्मीर में ISIS की विचारधारा के आतंकी संगठन में शामिल हुआ है। परीक्षा पास कराने के लिए ये गैंग ले चुका है 2 करोड़ रुपया, अब सातों चढ़े ATS के हत्थे। वारदात दिल्ली नोएडा की है। बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को सरकारी नौकरी के लिए होने वाली ऑनलाइन परीक्षा में पास कराने का ठेका लेने वाले गिरोह का यूपी ATS ने पर्दाफाश किया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।